नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्थानीय ज्योतिश्वर मवई निवासी किसान बसंत सेन पिछले 18 सालों से अपनी जमीन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का केस कोर्ट में सालों से चल रहा था, जिसमें निवासी बसंत कुमार सेन 18 साल से लड़ रहे केस में बची हुई जमीन भी आधी बिक चुकी है। और अब कोर्ट का निर्णय आया कि निवासी बसंत कुमार सेन को नगरीय प्रशासन द्वारा उसको उसकी ज़मीन पर जो भी अतिक्रमण किए हुए है उसको हटवाया जाए और नाप कराकर उसकी ज़मीन पर उसको काबिज किया जाए। किसान का कहना है कि हमारी ज़मीन का हम सिविल कोर्ट से केस जीत गए हैं। एक पक्षी डिग्री है, इसमें 1 से 11 ने जो अतिक्रमण किया था वह अतिक्रमण खाली कराने का अधिकारी है। इसमें जो अधिकारी गोटेगांव तहसील के अफसर हैं हम उनसे परेशान हैं, तो हमने 15 मई को अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जो उन लोगों ने किया है जो रोड बनाया है, और हम चाहते हैं कि नाप करके हमारा मिशन दुरुस्त कराएं और नक्शा फील्ड बुक बनाएं। हम 2005 से परेशान हैं, लगभग 18 साल हो गए। हमें सिविल कोर्ट का जीतने वाला आदेश 2 साल से आया है, तभी से हम परेशान हो रहे। क्या समस्या काका? सर जी, ये समस्या है कि हम इस जगह का सिविल कोर्ट से केस जीत चुके हैं। एक पक्षी डिग्री है, इसमें 1 से 11 ने जो अतिक्रमण किया था वो है उसे खाली करने का अधिकारी। तो जो लोग नाप कर नहीं रहे यहाँ के गोटेगांव तहसील के अफसर, हम उससे परेशान है। तो हमने अतिक्रमण 15 मई को स्वयं हटा लिया जो इन लोगों ने किया था, रोड बनाया है। और अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा नाप करके चौड़ी सीमा से जो हम सिविल से केस जीते हैं, नाप करके हमारा मिसल दुरुस्त कराएं और नक्शा फील्ड लोग बनाए। तो कब से आप परेशान हो रहे हैं, कब केस जीते? सर जी, ये 2005 से परेशान है, 17-18 साल हो गए हमको। केस कब जीते आप? केस जीत में हम इसमें लिखा है सर, 2 साल के लगभग हो गया। तो 2 साल से आपकी सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। क्या बोल रहा है? अब जे हम नाप का आवेदन देते हैं कि अतिक्रमण हटाने का हमारा जो है वो खेत का किया जाए काम, लेकिन जे बगैर सूचना नोटिस के आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे आदेश से ही आए, और अपना मनमाफक नाप करके चले जाते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे केस की डिग्री से नाप करो और 23/10/2005 की फील्ड वर्क से नाप करो, जिसमें जो 14 नंबर गोए की जगह निकलती है, तो उससे नाप नहीं करते। वो कह देते कि हमको इससे मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से नाप करेंगे। सुनवाई नहीं हुई क्या करोगे? अब सुनवाई नहीं हुई तो सर जी, अब पूरा परिवार कोई बड़ा कदम उठाएगा, कलेक्टर के सामने जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा करेंगे, या तो हमको आदेश दे कि यहाँ से कहीं और भगा दे, सब कुछ छीन ले हमारा। इनके प्रकरण पे इन्होंने जो है ईडीजे कोर्ट से इन्होंने केस जीता है, उसके परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा जो है सीमांकन की टीम गठित की गई थी, जिसमें अभी पूर्व में ही राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा सीमांकन की कार्रवाई की गई है। परंतु उस पर जो है आवेदक के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, पुनः आपत्ति पर हमारे द्वारा सुनवाई करके हमने अभी 3 तारीख का जो डेट है हमने निश्चित किया है अपना सीमांकन का। सीमांकन के उपरांत ही इस पर अगली कार्रवाई होगी। देखिए, जो इन्होंने तो केस जीता है ऑब्वियसली अपर जिला सत्र महोदय के यहाँ पे, तो केस में अगर इन्होंने जीता है तो चूंकि हमारा तो काम ही है कि जो है माननीय के आदेश का पालन कराना, और हम पालन करा रहे हैं। चूंकि इनको अभी बीच में सीमांकन में आपत्ति आई है, हम पुनः इसकी जांच करवा लेते हैं।